नमस्कार, मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा। बहुत लोगों ने पूछा है कि विंग कमांडर से एस्ट्रोलॉजर की जर्नी कैसी रही और क्यों एस्ट्रोलॉजर बन गए आप विंग कमांडर से। देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो मेरे खून में है। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, माय मैटरनल ग्रैंडफादर, ये सभी हमारे घर में जितने भी थे, दे हैव बीन एस्ट्रोलॉजर्स, दे हैव बीन डीलिंग विद रुद्राक्ष एंड जेमस्टोन्स। तो ये बचपन से मैंने देखा हुआ था, लेकिन एक इच्छा थी कि एयरफोर्स ज्वाइन करूं, देश की सेवा करूं, तो मैं एयरफोर्स में रहा। लेकिन बचपन से मुझे एस्ट्रोलॉजी, रुद्राक्ष और जेमस्टोन में काफ़ी रुचि रहती थी, और चक्र आसाधना करना, मेडिटेशन करना, इस वगैरह चीज़ों में बचपन से रुचि काफ़ी रही है। हो सकता है कि पुराने जन्मों के संस्कार हों। एयरफोर्स में जब था मैं, इट वॉज अ वेरी नाइस लाइफ, रिस्पेक्टेबल लाइफ। प्रॉब्लम उस समय होता क्या था, अभी ऐसा नहीं है, उस समय क्या होता था कि पैसे की बहुत कमी रहती थी। तो इस चक्कर में ये हुआ कि जब मैं दिल्ली से बेंगलोर ट्रांसफर होकर आया, 1996 में आया मैं, तो मेरा एक सपना था कि मैं एक फ्लैट खरीदूँ, एक टू बेडरूम फ्लैट खरीदने के लिए 7 लाख रुपया का, 7 लैक्स का आता था उस समय। हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सेविंग कुछ थी ही नहीं, सेविंग कुछ होते ही नहीं थे उस समय। तो मुझे ये लगा कि अभी 15-16 साल का नौकरी हो गया है, अब तक यदि मैं एक फ्लैट तक अपने लिए बना नहीं पा रहा हूं, तो आगे चल के रिटायर भी हो जाएगा तब तो हो नहीं पाएगा। तब मेरे पिताजी से मैंने पूछा कि मुझे धन की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि धन प्राप्ति का योग तो तुम्हारा है एट द एज ऑफ 42, और काफी सारा धन प्राप्ति का योग बन रहा है तुम्हारा, लेकिन सवाल यह है कि जब तुम एयरफोर्स में हो तो कहां से धन प्राप्ति होगी, तुम तो फिक्स सैलरी मिलती है। बात तो सही है, और क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट उस समय काफी था, थोड़ा बहुत इसलिए कह रहा हूं कि आई वॉज नॉट ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, तो तब भी मैं देखता था, लेकिन मैं इतने गहन चिंतन मनन और पठन नहीं किया था उस समय। पिताजी को काफी ज्ञान था, तो पिताजी ने कहा कि योग काफी बनता है, तुम्हें क्या करना चाहिए तुम निर्णय लो। तो मैं ये सोचा कि एयरफोर्स में रहते हुए प्रचुर धन प्राप्ति की, अबुंडेंस ऑफ वेल्थ की जो बातें लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी में, ये कैसे सच हो सकता है। ये सच तो तभी हो सकता है जब मैं कुछ करूं, और एयरफोर्स रहते हुए कैसे कुछ कर सकता था। तो इसलिए मैंने आई पुट अप माई पेपर्स इन 2000, मैंने रिजाइन किया एयरफोर्स से, ये देखने के लिए कि धन प्राप्ति का योग है तो धन किस प्रकार से कमाया था, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू हैव लॉट ऑफ मनी। ये प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में था, एंड आई हैड ग्रेट फेथ इन माई फादर, एंड आई क्विट एयरफोर्स। अब मेरे पास ना तो पैसे थे इतने, I got a from my provident fund, I got about 90,000 rupees when I left Air Force, and after 6 months of quitting service, I got about 6 lakhs. That's all. And my pension was 6,000 rupees per month that time. सपना बहुत बड़ा था। एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन था कि बहुत धन प्राप्त का योग था, बहुत धन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, ऐसा क्या काम करूं जहां से बहुत सारे धन प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि योग तो है। नाउ इज क्वेश्चन ऑफ फेथ, और मैं एयरफोर्स छोड़ चुका था, पेपर डाल चुका था। मेरे मन में ये विचार आया कि बड़ा काम करना होगा, बड़ा काम करने के लिए क्या बड़ा काम हो सकता उस समय। तो मैं सोचा कि मैं एक बिल्डर बन जाऊंगा, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाऊंगा, मेरे पास तो रहने की जगह है नहीं। आई वॉज टेकिंग रेंटेड हाउस बाय पेइंग 5,000 रुपीज, और मुझे पेंशन ही मिलता था 6,000 रुपीज, तो आई हैड अ बैंक बैलेंस ऑफ 90,000 रुपीज दैट टाइम। तो जब मैंने ये सोचा कि मुझे बिल्डिंग बनाने हैं, तो एक 7 फ्लैट का अपार्टमेंट का बिल्डिंग बनाने के लिए प्लान हुआ, तो इट वाज कॉस्टिंग 75 लाख इन 2000, और मेरे पास थे केवल 90,000 रुपीज, जिससे रेंट भी देना है और घर भी चलाना है। बट द
strong willpower and the faith in astrology, unfettered faith, 100% faith in myself, कि ये लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी में धन प्राप्ति का योग बन रहा है तो बनेगा, तो 75 लाख का प्रोजेक्ट मैंने प्लान किया विदाउट एनी काइंड ऑफ मनी एंड सपोर्ट। उस समय मेरे कुछ मित्र दोस्त हु हैड फेथ इन मी दे केम फॉरवर्ड एंड दे वॉलंटियर टू गिव मी मनी टू कंस्ट्रक्ट द अपार्टमेंट। सरप्राइजिंग, सोचा नहीं था। जिन लोगों ने किया, बुक किया फ्लैट, खरीदने के लिए राजी हुए, पैसा एडवांस देकर तैयार हुए, दे हैड नो प्लान्स टू बाय एनी फ्लैट इन बैंगलोर बट दे केम एंड हाउ इट हैपेंड आई डोंट नो। तो एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, चौथा भी हुआ, पांचवा भी हुआ, सिक्स भी हुआ, सेवेंथ भी हुआ। इन 2012-13 आई फिनिश्ड ए प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 फ्लैट्स विद स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, ऑल द फैसिलिटीज, 80 फ्लैट बिजनेस एट इट एंड एवरीथिंग हैपेंड इन सच ए वे आई डिड नॉट इवन नो कैसे हुआ, कैसे कट गई 12-13 साल 14 साल, मुझे पता भी नहीं चला कहाँ से पैसे आते थे, कैसे जाते थे, आई डिड नो, ओनली फेथ एंड द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट आई विल हैव मनी। आई बिलीव्ड एंड आई वर्क फॉर इट विदाउट एनी डाउट। तो मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी में इतना दम है, एस्ट्रोलॉजी से इतनी बातें पता चल सकती है। तो मैंने फिर गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ चार्ट देखना शुरू कर दिया, अलग अलग लोगों के लोगों से मिला एंड बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। उद्देश्य यह था कि व्हाट आई कुड डू बाय आइडेंटिफाइंग द राइट टाइम इन माय लाइफ, व्हाई कांट यू डू, बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी को मैं समझता हूं कि एक ऐसी विद्या है जिससे यह समझ में आए कि आपके क्या क्या पोटेंशियलिटीज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सा आपका टाइम राइट है, राइप है, कब आप रिस्क उठा सकते हैं और कब नहीं, कब आपको कूद पड़ना चाहिए, दांव पे लगा सकते हैं आप जिंदगी को, उसके लिए स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। आपको समय की पहचान होनी चाहिए, समय की पहचान करवाती है एस्ट्रोलॉजी। योग क्या क्या चल रहे हैं, क्या किसका धन प्राप्ति का योग बन रहा है, प्रमोशन का योग बन रहा है, विदेश जाने का योग बन रहा है, पढ़ाई का अच्छा योग बन रहा है, क्या बन रहा है, उस समय यदि आप वो चीज करेंगे तो एकदम सफलता आपको मिलेगी। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने जाना, मैंने पाया, और जो मैं एक 2-bedroom फ्लैट नहीं खरीद पा रहा था, नाउ आई हैव मेनी हाउसेस, मेनी फ्लैट्स, आई स्टे इन ए नाइस हाउस, I have all high-end vehicles. I had my own microlight plane to fly. I did everything. Why and how? Because of astrology. Because I identified, I could know, I could ferret out, I could find out the right timings. That's why I could achieve things. If I could achieve things, why not you? तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को मैं देखता हूं एक विज्ञान के रूप में जो आपको बताता है कि आप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, पोटेंशियलिटीज हैं, क्या आपका सही टाइम है, क्या करना चाहिए जिंदगी में। यदि मुश्किलात आ रहे हैं, डिफिकल्टी आ रहे हैं, तो क्यों डिफिकल्टीज आ रहे हैं और कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं, कैसे डिफिकल्टी से अपने आपको बाहर निकाल सकते हैं और कैसे नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो सीक्रेट्स हैं, किस प्रकार से रुद्राक्ष काम करता है, बैलेंस कर लेता है नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता है, किस प्रकार से जेमस्टोन बूस्ट कर देते हैं, जो कि एनर्जी आपके लिए अच्छा है, कम शक्तिशाली है, तो कैसे बूस्ट कर देता है, ये सभी जो सीक्रेट्स हैं जो मैंने पाया है आपसे शेयर करने के लिए कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, आप समृद्ध हो, आप उन्नति करें, आपके जीवन में खुशहाली हो। इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।